पावन उत्सव पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे अध्यक्ष मास्टर साहब प्रबंधक साख जी, हमारे प्रबंधक श्री सरनाथ सिंह साख जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष साख जी, हमारे आयुर्वेद मास्टर साहब गजाराम साख जी, हमारे चाचा जी सर बलबीर सिंह साख जी, हमारे चाचा राम सिंह साख जी, हमारे भाई साहब राम बाबू साख जी और हमारे छोटे भाई सुशील साख जी और बीडीसी जो बैठे हैं हमारे पाल साहब लालू पाल जी और हमारे सभी लोग, हमारे अनूप भाई साहब जी और सभी लोग बैठे हुए हैं। देखिए एक समान की बात नहीं है, बात बुद्ध भगवान ने जो कहा है कि किस हिसाब से चलना है, किस हिसाब से समाज चलाना है, कैसी रास्ता बताने है, बात समाज को चलाने की। देखो अगर पढ़ा लिखा समाज होगा तो सब चीज को समझेगा, आपका समाज ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो बताइए आप कैसे समाज चल जाएगा। समाज चलाने के लिए पहले शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा और शिक्षा साक समाज में सबसे कम है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ, हमारे जो आस पास गाँव है वे हाई स्कूल तक तो बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। जब समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई भी समाज है, हम साक समाज है, कौन समाज है, जब समाज पढ़ा लिखा होगा तभी उन्नति होगी, तभी विकास होगा। और सबसे कुरीतियां है समाज में तो क्या है, पीने की लत लग गई, शाम को भले ही कुछ करना पड़े, किसी से उधार लेने पड़े तो हमें शाम को दारू पीने है, बच्चों को नहीं पढ़ाना है, केवल दारू पीने है शाम को, खाना भले ही घर पे ना बने। तो इस हिसाब की अगर कुरीतियां हैं, भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा दारू पियो, भगवान बुद्ध ने ये कहा है सही रास्ता सत रास्ता चलिए, सत रास्ता खोजिए, सत रास्ता क्या है, हमारा मूल रास्ता क्या है भाई। जब मूल रास्ते पे आप नहीं पहुंचेंगे तो समाज आगे बढ़ने बढ़ ही नहीं सकता है भाई। आप अगर बच्चे को एक पढ़ाएंगे अगर तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा। जब आप पढ़ेंगे नहीं बच्चों को तब तक कुछ नहीं हो सकता, समान और पीछे चला जाएगा 10 साल। आज भगवान बुद्ध की 2584 जो जन्म उत्सव है सभी लोग मना रहे हैं, सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ। तो हमारा कहने का मतलब ये है अगर आप शिक्षित बनेंगे तो भगवान बुद्ध की रास्ता पर चलेंगे, नहीं अगर शिक्षित नहीं बनेंगे तो समाज, पहले तो जब शिक्षा नहीं होगी आप समझ ही नहीं पाएंगे भगवान बुद्ध ने क्या कहा, क्या विचार है भगवान बुद्ध ने, कोई विचार अगर आप कुछ सुन लेंगे शाम को भूल जाएंगे। पढ़ के आप अध्ययन करिए कि समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है। और जो दारू वाली प्रथा है सबसे ज्यादा हमारे साक समाज में है, और साक समाज में ये है 80% लोग दारू शाम को पीने के लिए ठेका पहुंच जाते हैं, शाम को भले ही सब्जी घर पे ना हो। अगर इतना करोगे तो समाज बहुत पीछे आएगा और आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए आज जो पावन पर्व है तथागत भगवान बुद्ध का, आप सब लोग एक धारणा बना रहे हैं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और दारू तो पीने ही नहीं है, दारू अगर पिएंगे तो भगवान बुद्ध है ही नहीं, वो शाकवंशी नहीं है, अगर शाकवंशी है तो बुद्ध कैसे हो। साग वंश में अगर दारू पीते हैं और कहते हैं हम भगवान बुद्ध के बुद्धिस्ट हैं तो गलत कह रहे हैं।
इससे पहले सभी लोग आए हमारे यहाँ, सभी ने आभार व्यक्त किया और सभी लोगों ने मेरी बात सुनी। इसी बात पर हम अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सतीश चांद जी का, जिन्होंने